सरोकार। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने पीएम मोदी से की मुलाकात, नीट सहित इन मुद्दों पर हुई चर्चा। सांसदों को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सलाह, बोले संसद में महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने चाहिए। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के इस्तीफे, सीएम केजरीवाल ने मंजूर किए। जैन 9 महीने से जेल में, सिसोदिया के पास थे 18 विभाग। तेलंगाना में समय से पहले चुनाव की आशंका, केसीआर कर सकते हैं सिफारिश। कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी पार्टी, आज से विजय संकल्प यात्रा शुरू करेगी, 20 दिन चलेगा अभियान। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बिजली कंपनियों की ओर से प्रदेश की बिजली दर में 18 से 23 फीसदी बढ़ोतरी के लिए दिए गए प्रस्ताव को नियामक आयोग ने स्वीकार कर लिया है। अब इस पर आयोग ने आपत्ति व सुझाव मांगे हैं। अप्रैल से आम जनता के बीच सुनवाई होगी। मई के अंतिम सप्ताह या जून के पहले सप्ताह तक नई दरों के ऐलान की तैयारी है। इस बीच बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर राज्य उपभोक्ता परिषद के विरोध कर दिया है। परिषद का कहना है कि बिजली कंपनियों पर उपभोक्ताओं का करीब 25,133 करोड़ रुपए जमा, ऐसे में किसी भी कीमत पर बिजली दरें नहीं बढ़नी चाहिए। लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने 2017 में हुए भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया। उस वक्त कोर्ट में 8 आतंकी मौजूद थे। ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे, जिनमें से एक का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। अन्य आरोपियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद व हथियार बरामद हुए थे। कानपुर में एक बार फिर प्रधानपति पर हमला का मामला सामने आया है। नारायणपुर प्रधानपति पर जानलेवा हमला हुआ है। इस मामले में सुनहेला चौकी इंचार्ज मनोज कुमार पर लापरवाही का आरोप लग रहा है। दरअसल चौकी इंचार्ज खुद को चोट मारने व फर्जी मुकदमे की सलाह दे रहे हैं, जिसका ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। मामला ये हुआ कि अपने बगीचे में खड़े पेड़ नीम के जी जी वो हमने कटवाया था जी जी, और कटवाने के बाद गाड़ी आई थी लादने के लिए जी जी, लादने के लिए आई थी। इन लोगों ने 112 नंबर डायल किया तो गाड़ी हम यहाँ पर सफीपुर घाट आ करके जी, यहीं पर पूजा पाठ होता है, यहाँ पर आरती होती, तो आकर यहाँ बैठ गए आकर के जी जी। तो इन लोगों ने उसकी गाड़ी फूकने का प्रयास किया। कौन कौन लोग थे उसमें? सुनील यादव थे जी, ज्ञान यादव थे जी, और बलबीर यादव का एक भतीजा सौरभ यादव, गौरव यादव थे जी जी जी। आपसे मारपीट हुई है? हाँ। कहाँ का हमारा है आपके? आए हमसे बदतमीजी करने लगे और यहीं पर कंटाप, पहले मुक्का मारे तो फिर इधर कंटाप मारे, तो हम जाके गए। अलीगढ़ में विद्युत विभाग को लेकर एक मामला सामने आया है। विद्युत विभाग सब स्टेशन के जेई के कार्यशैली पर कई सवाल उठ रहे हैं। गौरतलब है कि जेई नीरज वर्मा द्वारा आधा दर्जन से अधिक कनेक्शन विगर स्टेटमेंट के पास किए गए। इस मामले को लेकर पीड़ित उपभोक्ता विभाग सब स्टेशन धौरिया माफी अली नगर को लिखित शिकायत जिला अधिकारी अलीगढ़ को दी है।
दर्जनों शिकायत करने के बाद विद्युत विभाग उच्च अधिकारी मौन बने हुए हैं। वहीं अधिशासी अभियंता अलीगढ़ एसडीओ ने कई बार जांच की, जांच में अधिकारी मिलीभगत कर जेई को बचाना चाहते हैं। कनेक्शन नहीं हो पा रहा है मेरा, हर तरीके से मैंने कोशिश कर ली, संभव कोशिश, मैं नीचे से ऊपर तक सब जगह मैंने ट्राई कर लिया, एसडीओ से लेकर चीफ साहब तक चला गया मैं, और मेरा कनेक्शन नहीं हो पा रहा। मेरे आजू बाजू सारे कनेक्शन है, 200 मीटर के लेन पे दूर पे दूरी पे कनेक्शन है। ऐसा क्या कारण है जो आपका कनेक्शन नहीं हो रहा है? वो पैसे ज़्यादा मांगते हैं, और डीएम आपका चीफ साहब जो है आपके जो है जेई साहब घर पे बुलाते हैं, जिनकी मोटी रकम मांगते हैं वो जो दे देता है उसका कनेक्शन कर देते हैं, और मुझे तो एस्टीमेट बना के दे दिया है 1.5 लाख रुपये का। सर 50 गज में बताइए 1.5 लाख रुपए एस्टीमेट कहाँ से दे दूंगा मैं, 1.5 लाख रुपए कहते कमीशन के लिए। जो है भेदभाव कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत भेदभाव कर रहे हैं, घर पे बुलाते हैं ये। कानपुर में कालेजा कांड जैसी दूसरी घटना सामने आई है, जहां पर 6 साल की मासूम का सरसों के खेत में कंकाल मिला है। दरअसल 3 दिन पहले मासूम बच्ची गांव से लापता हो गई थी। गांव के एक परिवार पर पीड़ितों ने अपहरण का आरोप लगाया है। मासूम का कंकाल ग्रामीणों की खोजबीन के दौरान मिला है। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का गंभीर आरोप लगाया है। ये घटना सजेती थाना क्षेत्र के रैपुरा गांव की है। बाद उन्होंने थाने को सूचना दी, थाने ने तुरंत इसकी एफआईआर अंतर्गत धारा 363 आईपीसी में दर्ज की, और उसी वक्त से पुलिस इसको सर्च कर रही थी गांव वालों के सहयोग से। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी 26 को उसकी, 27 को भी उसकी सूचना नहीं मिली। आज शाम में 28 तारीख की शाम में दिन ढलते समय कुछ गांव वालों को एक डेड बॉडी मिली, जिसकी सूचना पाते हुए तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और उस शव को अपने हिरासत में लिया, और फॉरेंसिक टीम को भी यहां लाया गया कानपुर से, और उचित कार्रवाई करके उसको तुरंत हैलेट अस्पताल। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अनिल हमसे जुड़ेंगे। अनिल, सरसों के खेत में मासूम का कंकाल मिला है, क्या कुछ पूरा मामला है? मैं बता दूं कि सजेती थाना क्षेत्र के रायपुरवा गांव के गांव का मामला है, और 6 वर्षीय मासूम बच्ची का एक कंकाल मिला है। हालांकि घर के परिजनों ने, जो परिजन थे, उन्होंने कुछ दिनों पहले आरोप लगाया था पड़ोसी के ऊपर कि इसने अपहरण किया है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी के चलते ये बड़ी घटना हुई है। हालांकि जो एसीपी है बोल रहे हैं कि इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, दर्ज करने के बाद कार्रवाई की जाती है, लेकिन सबसे बड़ी सोचने वाली बात होती है कि अब तक कितनी माएं अपने बच्चों को इसी तरह खोएंगी पुलिस की लापरवाही के चलते। जी, गाजियाबाद में पुलिस लाइन के नजदीक आरकेपुरम में एक घर के गेट पर पीएनजी पाइपलाइन में मंगलवार रात भीषण आग लग गई। आग की लपटें जमीन से निकलकर करीब 15 फीट ऊपर तक उठी, जिन्हें देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए। एनडीआरएफ और उत्तर प्रदेश अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। IGL कंपनी को अलर्ट मैसेज भेजकर पाइपलाइन में गैस आपूर्ति बंद कराई गई। इसके बाद करीब 1 घंटे के भीतर आग पर काबू पाया जा सका। आग कैसे लगी इसकी विस्तृत जांच IGL कंपनी के इंजीनियर करेंगे। एक मकान में आग लग गई है गैस लीकेज के कारण। तत्काल एक फायर टेंडर कोतवाली से और स्वयं मेरे द्वारा घटनास्थल के लिए रवाना हुआ। घटनास्थल पर जाकर देखा गया कि IGL की गैस पाइपलाइन में लीकेज था, जिसके किसी कारण बस आग लग गई थी, जिसको तत्काल फायर एक्सटिंग्विशर की सहायता से कंट्रोल करने की कोशिश की गई एवं फायर टेंडर से होजरील के द्वारा पूर्ण रूप से बुझा दिया गया। घर के अंदर उस वक्त 10 से 15 लोग थे, जिनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। कोई किसी प्रकार से घायल नहीं है, कोई जनहानि नहीं है। कासगंज में पूर्व माध्यमिक विद्यालय महमूदपुर के 55 विद्यार्थियों को कॉन्वेंट स्कूलों की तर्ज पर नगर की औद्योगिक संस्थानों, बिजली घर, डाकघर, सरकारी अस्पताल कोतवाली का शैक्षणिक भ्रमण कराया गया। कोतवाली में भ्रमण के दौरान प्रभारी
हरिभान सिंह ने विद्यार्थियों को महिला पुलिस हेल्पलाइन नंबर 1080 और 112 की जानकारी देते हुए मेहनत और लगन से पढ़ने का सुझाव दिया है। इस मौके पर प्रधानाध्यापक चंद्रपाल सिंह और संजय यादव सिंह मौजूद रहे। हरदोई में शिकायत की जांच करने गए एक कांस्टेबल की पिटाई का मामला सामने आया है। दरअसल मारपीट के मामले की पूछताछ और जांच पड़ताल करने सिपाही को भेजा गया था। ड्यूटी पर तैनात सिपाही मौके पर पहुंचा, जहां आरोपी ने पहले कहा सुनी के बाद में उसकी लात घूसे और डंडे से जमकर पिटाई कर दी। पिटाई से घायल सिपाही को उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। इसके बाद पुलिस ने सिपाही के साथ मारपीट करने वाले दबंग साइकिल स्टैंड संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कॉलेज इंटर कॉलेज पढ़ता है, वहाँ पर एक छात्र ने साइकिल स्टैंड वाले की शिकायत करी थी। उसमें प्रिंस कुमार हमारा अपना थाने का कोतवाली था, वो जांच करने हेतु गया था, जिसमें स्टैंड वाले ने मारपीट और हाथापाई कांस्टेबल के साथ की गई। उक्त प्रकरण में थाना कोतवाली पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। स्टैंड लगाते हैं बच्चों, तो वहाँ से वो पर्ची काटते हैं उनकी, और मतलब तो किराया वगैरह लेते हैं उनसे। तो कल भी पैसों के बारे में एक लड़के से उसकी मार पिटाई हुई, तो उनके परिवारजनों ने एक थाने पर भी एप्लीकेशन दी और एक वहाँ के आरआर इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य जो हैं उनके पास भी एप्लीकेशन दी। तो मैं उनको लेकर के गया था, दोनों जिसने जिसके साथ मारपीट हुई थी उससे भी और जिस लड़के के साथ हुई थी उसको भी, लेकिन लड़के के परिवार वालों ने कहा कि हम पुलिस कार्रवाई करवाएंगे। तो मैंने उससे कहा कि चल भाई, जब नहीं मानते तो कि तू थाने चल। बस इसी बात पर वो लड़ाई करने लगा, मारने पीटने लगा। कहते हैं दुनिया में माँ से बढ़कर कोई नहीं है। अलीगढ़ में हत्यारी माँ के द्वारा अपने कलेजे के टुकड़े के साथ दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ पति पत्नी के बीच हुए मामूली झगड़े के बाद पत्नी ने 5 वर्षीय बच्ची के ऊपर सैनिटाइजर डालकर जिंदा जलाते हुए उसको हमेशा के लिए मौत के आगोश में सुला दिया। घटना को अंजाम को हत्यारा माँ के मौके से फरार हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हत्यारिन मां के खिलाफ पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज करते हुए घटनास्थल पर फरार हुई मां की तलाश शुरू कर दी गई। कल दिनांक 27 फरवरी 2023 को थाना अतरौली अंतर्गत गांव मोहम्मदपुर बड़ेरा में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, 6 वर्षीय किशोरी की उसके माँ द्वारा खत्म कर दिया गया। मौके पर पहुंचने पर पुलिस ने विधिक कार्रवाई करते हुए इस संबंध में 89/23 धारा 302 IPC अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। सभी महत्वपूर्ण साक्ष्य एवं साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है, जल्द ही आरोपित मां की गिरफ्तारी होगी। संभल में यूपी मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के अलग अलग ब्लॉक से 211 जोड़े को एक दूसरे के जीवन साथी होने के लिए साथ फेरे लिए। इस महंगाई के दौर में अपनी बेटियों का विवाह करते समय बहुत ही आर्थिक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। गरीब परिवारों की इसी समस्या का समाधान करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत राज्य में सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है। हमारे ज़िले में आयोजित होने वाला कार्यक्रम है, जिसमें विकासखंड पवासा में लगभग 60 जोड़ों का ये आज जो है विवाह समारोह समापन हो रहा है, ये कार्यक्रम हो रहा है, और इसमें सभी धर्म और सभी जाति के जोड़े हैं। मौके पर कितने हैं? मौके पर अभी चूँकि संपादित नहीं हुआ, गिनती नहीं हो पाई है, लेकिन जो आवेदन थे वो लगभग 60 लोगों के थे, तो ये स्थिति क्लियर हो जाएगी। अभी उसमें कुछ ऐसा होता है, कुछ किसी कारण नहीं आ पाते, तो उसकी जो है अभी इसकी फाइनल फिगर नहीं दी जा सकती। ये सब चल रहा है, जिला स्तर से मुझे यहाँ पर नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। कितने जोड़े हैं आज यहाँ पर? 62 जोड़ों का जो है रजिस्ट्रेशन हुआ था, लगभग 60 जोड़े आ चुके हैं। ये संख्या अभी थोड़ी सी जो है मुझे लगता है कि चेंज हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से लोग आते हैं, कहीं थोड़ी साधन की भी समस्या हो जाती है लोगों को, इन सब की वजह से जो है हो सकता है कभी एक दो जोड़े और भी आ जाए। इन जोड़ों के लिए क्या क्या है? इन जोड़ों के लिए 10,000 रुपये का सामान है, जिसमें
जो है रसोई के सामान हैं, बर्तन वगैरह हैं, और कुछ जो शादी विवाह में काम आते हैं वो सामान है। 5-6 हज़ार रुपया इसकी व्यवस्था में और खाने वगैरह पर खर्च हो रहा है। उनके पर वधू रह गए हों अभी, उनको फौरन बैठा लें, और जो जो आ चुके हैं उनको जो किट है सामान की वो उपलब्ध कराकर। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।